नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप। तो ये एक एम्प्टीज वीडियो होने वाली है, यानी कि इसमें जो मैं प्रोडक्ट पूरे फिनिश कर चुकी हूँ उसके बारे में मैं आपको रिव्यू देने वाली हूँ कि वो मुझको पसंद आए या नहीं आए, उनको मैं आगे परचेस करूँगी या नहीं करूँगी। तो इसलिए आपको यदि ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो आप ये वीडियो आगे देखना जारी रख सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं प्रोडक्ट ले रही हूँ वो ले रही हूँ प्रो टच स्किन का स्किन लिफ्ट रिकवरी ड्रॉप। बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट है ये, और इसका MRP है 750। 750 में ये मिल रहा है सिर्फ 6 ml। 15 दिन भी नहीं चला ये प्रोडक्ट, पर कोई बात नहीं, 15 दिन नहीं चला लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है। ये बना है आपके फोरहेड की लाइन के लिए, लाफ लाइन के लिए, जॉ लाइन के लिए, नेक लाइन के लिए। तो मैंने इसको, मेरे फेस पे मुझे तो ऐसा कोई ज़रूरत लगती नहीं कि मेरे फेस पे कोई लाइन है, तो मैंने इसको नेक लाइन के लिए यूज़ किया था। सिर्फ ये 10 दिन या 12 दिन चला होगा, सिर्फ इतना ही ये चला होगा और ये ख़त्म हो चुका है। और लेकिन इफ़ेक्टिव ये रहा है, जैसे ये जो मेरी हैं ये लाइट हो गई हैं, मतलब इनकी गहराई कम होगी और जो यहाँ पर लाइट थी वो गायब हो गई है। यस, यहाँ पर मेरी दो और थी, ये तो आपको दिख रही होगी हल्की हल्की, ये भी गाढ़ी थी, इससे ऊपर की आपको नहीं दिख रही होगी। ये इफ़ेक्टिव है प्रोडक्ट, लेकिन ये बहुत महंगा पड़ा है मेरे को, 750 रुपीज़ का 6 ml प्रोटच का, प्रोटच स्किन। तो ये इस तरह का पेन टाइप का है ये ऐसा, और यहाँ पर आपको जब ये, तो जैसे अब इस वक्त एम्प्टी है लेकिन जब इसके अंदर था प्रोडक्ट तो कट कट की आवाज़ आती थी। आप इस तरह से करते थे कट, तो यहाँ पर प्रोडक्ट आता था और वो इस तरह से आप ऐसे मसाज कर लेते थे उसको, ऐसे 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 करके। तो आपको जहाँ भी लाइंस हैं वे आपको हटानी हैं, कम करनी है, तो आप ये प्रोडक्ट ट्राई कर सकते हो। एक बार तो आप ये ट्राई करके देख ही लीजिए, स्किन लिफ्ट रिकवरी ड्रॉप है प्रोटच स्किन का, 750 रुपीज़ का 6 ml। इसी ब्रांड का है, यानी कि प्रोटेक्ट स्किन का है दूसरा प्रोडक्ट पावर ग्लो फेस ड्रॉप। ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, ये 750 रुपीज़ का है लेकिन ये 30 ml है, तो इतना चल जाएगा। यस, इससे ग्लो आता है फेस पर जब हम इसको लगाते हैं। ये भी ऑलरेडी ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा ही बच रहा है, ये वो भी मैंने आपको दिखाने के लिए रख लिया था। ये है इस तरीके का प्रोडक्ट, और बिल्कुल एकदम स्किन में आपके एकदम एब्जॉर्ब हो जाता है। ये देखिए, इसको आप थोड़ा सा इस तरह से मसाज कीजिएगा और ये आपकी स्किन में एकदम चला जाएगा। ज़्यादा निकल गया, मुझे दुख हो रहा है क्योंकि एक तो महंगा है 750 का, 30 ml है सिर्फ, तो मैं इसको, और यह ख़त्म ही है एक तरीके से, बस थोड़ा सा ही बच रहा है वो मैंने आपको दिखाने के लिए रख लिया था। तो ये प्रोडक्ट भी आप ट्राई कर सकते हैं एक बार, तो आप इसको ज़रूर चांस दीजिएगा। मैं इसको फेस और गर्दन पर मॉर्निंग में लगाती हूँ। बेसिकली बना है आपके डार्क स्पॉट के लिए, स्किन को ब्राइट करने के लिए, और एजिंग को यानी कि रोकने के लिए या कम करने के लिए, और स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए। पर ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा, ग्लो आता है इससे फेस पर। तो ये ले रही हूँ मैं फेस वॉश TAC द आयुर्वेद कंपनी का 7% कुमकुम आदि फेस वॉश विद सेफ्रॉन 24K गोल्ड। ये मेरे को मिला था कोलाब्रेशन में, गोल्ड वगैरह का तो मुझे पता नहीं, हाँ क्योंकि, लेकिन ये गोल्डन शेड का है, कलर का है, एक सिंपल फेस वॉश है ये, ट्राई कर सकते हैं डेली यूज़ के लिए। 299 रुपीज़ का ये है, 299 रुपये का 100 ml है ये, और मैं इसको मॉर्निंग में इससे फेस वॉश करती थी और ये अब ख़त्म हो चुका है। हाँ ठीक है, डेली यूज़ में आपको क्या चाहिए, सुबह सुबह एक सिंपल फेस वॉश चाहिए। और प्रोडक्ट ले रही हूँ मैं सेंटिव्स एनर्जाइजिंग स्क्रब कोकोनट एंड कॉफ़ी स्क्रब, ये ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी, मैं पूरा इसको ख़त्म कर चुकी हूँ और इसके ऊपर का कैप पता नहीं कहाँ चला गया। तो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने ये रखा हुआ था। ये स्क्रब भी काफ़ी अच्छा है, थोड़ा मतलब जेंटल है, मुझे मतलब इसके बारे में रिव्यू तो लोगों के अच्छे नहीं है, पर मुझे अच्छा लगा ये। और इसका MRP मेरे को पता नहीं कितना है, इस पर लिखा हुआ नहीं है, ये शायद 300 से ऊपर का मुझे मिला था ये, अब मुझे ध्यान नहीं क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। स्क्रब ज़्यादा जल्दी मेरे यूज़ नहीं होते क्योंकि मैं सप्ताह में सिर्फ एक बार ही यूज़ करती हूँ स्क्रब को, जब मैं बालों को धोती हूँ सप्ताह में एक बार तभी मैं स्क्रब भी करती हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगा सेंटिव्स का कोकोनट एंड कॉफ़ी स्क्रब, आप ट्राई कर सकते हैं इसको। एंड है पैमल PEML, इसके मैंने दो प्रोडक्ट मंगाए थे, मॉइस्चराइजर और फेस वॉश। तो ये MRP है इसका 500 और 100 ml है, और इसका मॉइस्चराइजर का MRP है 500 और 100 ml है। ये तो ठीक है फेस वॉश, मैं मॉर्निंग में इसको यूज़ करती थी, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, क्रुएल्टी फ्री है, नो पैराबेन, नो SLS, प्योर नेचुरल अश्वगंधा, विटामिन ई, स्किन अवेकनिंग, इस तरह से काफ़ी मतलब ये मेरे को एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, तो ठीक है। मॉर्निंग में मैं इसको यूज़ करती थी, फेस वॉश है, ख़त्म हो चुका है ये, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इस मॉइस्चराइजर में क्या दिक्कत है। ये मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि एक तो ये मुझे, आप आवाज़ सुन रहे हैं कितना मतलब पतला है ये, और नो रिटर्नेबल था ये प्रोडक्ट। तो मैं सोचती हूँ जो नो रिटर्नेबल प्रोडक्ट हैं वे अच्छे होते होंगे शायद, क्योंकि मैं किसी मतलब टच नहीं हुए होते, सीधा जिसके पास गया उसको यूज़ करना है।
लेकिन मॉइस्चराइजर इस तरह की आवाज़ मैंने इसको यूज़ नहीं करा, क्योंकि मुझे लग रहा है इसके अंदर कुछ मिलाया गया है या क्या गड़बड़ा है इसमें। अब आप देख रहे हैं कितना पतला है, ये सीरम भी इतना पतला नहीं हो ये, और ये मॉइस्चराइजर हो के इतना पतला है, देख रहे देखना। तो मैंने तो उसको यूज़ नहीं किया है और ना ही मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे कुछ डाउट लग रहा है ये तो। अरे पूरी बोतल भी भरी भी नहीं है ये, मैंने एक बार ही देखा है इसको निकाल कर, मैंने इसको लगाया भी नहीं, मैंने सिर्फ अपने पैर पे लगा लिया, फेस पे मैंने इसको लगाया नहीं। देख रहे हैं पूरी बोतल भी नहीं, आवाज़ से पता चल रहा है, और कितना लिक्विड सा एकदम, मतलब पता नहीं तो नहीं ऐसे होता है, क्योंकि मैंने आज तक इस तरह का मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं किया जो इस तरह की आवाज़ कर रहा हूँ, तो मैंने इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। मुझे नहीं पता मैं इसका क्या करूँगी। खैर फेस वॉश तो ठीक है इसका, लेकिन मॉइस्चराइजर मुझे पसंद नहीं आया है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, यानी कि मैंने आपको 6 प्रोडक्ट दिखा दिए हैं, 6 एम्प्टीज प्रोडक्ट। वाओ बहुत अच्छा लगता है जब प्रोडक्ट ख़राब होने से पहले, एक्सपायर होने से पहले हम उनको यूज़ कर लेते हैं, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि मेरे पैसे बर्बाद नहीं गए। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मुझे हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।